हेलो एवरीवन, आज के हम इस लेक्चर में लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा एन भी वेक्टर्स हैं, देन एवरी रिलेशन ऑफ द फॉर्म, यहाँ पर हमारे पास ए वन, ए टू, ए एन भी स्केलर्स हैं, कि हम किसी एक सदिश को इन सदिशों के रूप में लिख सकते हैं कि ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन अल्फा एन इक्वल टू इंट्री समेशन आई इक्वल टू वन टू एन ए आई एल्फा आई, तो इज कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स। यदि हमारे पास ए वन टू ए एन एन सदिश हैं और ए वन टू ए एन तो स्केलर्स हैं, एल्फा वन टू एल्फा एन एन वेक्टर्स हैं, देन यदि हम इन सदिशों को किसी एक सदिश के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो वो हम कैसा कहलाता है, इज कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स। अब लीनियर डिपेंडेंस, If a1, a2, an not all zero such that a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus dot dot plus an alpha n equal to 0. If a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus dot dot an alpha n equal to 0 such that all a1, a2, an equal to 0. That is for each a equal to 0. So then ये कहलाते हमारे Li सदिश। अब सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर एल डी, एल्फा वन, एल्फा टू, एल्फा थ्री की वैल्यू दे रखी है, हमें सिद्ध करना है कि तीनों सदिश एल डी हैं। तीनों सदिशों को एल डी सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि ए वन, ए टू, ए एन बिलोंग्स टू आर सच दैट स्केलर्स लिए ए वन एल्फा वन प्लस ए टू एल्फा टू प्लस ए थ्री एल्फा थ्री इक्वल टू जीरो, ए वन वन थ्री टू प्लस ए टू वन माइनस ए वन माइनस एट प्लस ए थ्री टू वन माइनस वन इक्वल टू जीरो जीरो जीरो। हम तीनों जो इस सदिश दे रखे हैं हमारे पास ए वन, ए टू, ए टू, ए थ्री स्केलर सेन के साथ इनका मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ते हुए प्रत्येक स्टेप को लिखेंगे कि ए वन प्लस ए टू प्लस टू ए थ्री, सिमिलरली सेकेंड लिखी, सिमिलरली थर्ड इक्वल टू जीरो जीरो जीरो। अब तीनों की हम कंपेयरिंग कर देंगे इनकी, ए वन प्लस ए टू प्लस टू ए थ्री इक्वल टू जीरो, सिमिलरली इसको लिख दिया, सिमिलरली थर्ड, सॉल्विंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर ए वन ए टू ए थ्री के मान निकालने के लिए इनको हल करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में से दो को, समीकरण दो को मल्टीप्लाई करेंगे टू से और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास स्टेप आएगा ए वन माइनस थ्री ए टू इक्वल टू जीरो, ए वन इक्वल टू थ्री ए टू। इसी प्रकार इक्वेशन वन प्लस एड करेंगे इक्वेशन थ्री को टू से मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास यही स्टेप आएगा ए वन माइनस थ्री ए टू इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज ए वन इक्वल टू थ्री ए टू, हम इसको लिख देंगे ए वन अपॉन, हमारे पास ए वन अपॉन थ्री ए टू, ए टू अपॉन वन, ए वन इक्वल टू थ्री, ए टू इक्वल टू वन, एक या दो या तीन में किसी में रख लेंगे तो हमारे पास ए थ्री की वैल्यू भी आ जाएगी माइनस टू। यहाँ हमने फर्स्ट में रखी है तो थ्री एल्फा वन प्लस वन एल्फा टू माइनस टू एल्फा थ्री इक्वल टू जीरो। हमारे पास ये तीनों मान ए वन, ए टू, ए थ्री नॉन जीरो हैं, अर्थात एल्फा वन, एल्फा टू और एल्फा थ्री एल डी हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम करेंगे कि सो दैट फॉलोइंग वेक्टर्स आर एल आई, कि एल्फा वन इक्वल टू वन वन जीरो, एल्फा टू, एल्फा थ्री, लेट ए वन, ए टू, ए थ्री बिलोंग्स टू आर सच दैट ए वन एल्फा वन प्लस ए टू एल्फा टू प्लस ए थ्री एल्फा थ्री इक्वल टू जीरो। हम ये सिद्ध करेंगे कि ये जीरो और फोर ईच ए आई, यानी ए वन, ए टू, ए थ्री सभी के मान जीरो हो तो हम कह देंगे कि ये एल आई है। तो अर्थात हम लिखेंगे आगे ए वन एल्फा वन की वैल्यू, ए टू एल्फा टू की वैल्यू, ए थ्री एल्फा थ्री की वैल्यू इक्वल टू जीरो जीरो जीरो। पिछले एग्जाम्पल की तरह ए वन प्लस ए टू, यहाँ प्लस टू ए थ्री, सिमिलरली ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, तीसरा स्टेप लिखेंगे इसका ए वन जीरो प्लस ए टू प्लस थ्री ए थ्री इक्वल टू जीरो। कंपेयरिंग करेंगे ए वन प्लस ए टू प्लस टू ए थ्री इक्वल टू जीरो, सिमिलरली दूसरे लिख देंगे, सिमिलरली तीसरी लिख देंगे। अब फर्स्ट माइनस सेकेंड, प्रथम में से यदि सेकेंड को घटाया तो ए थ्री इक्वल टू जीरो आएगा, ए थ्री इक्वल टू जीरो तीन में रखा तो ए टू इक्वल टू जीरो आ जाएगा। सिमिलरली हम फर्स्ट से दोनों के मान रखने पर तो हमारे पास ए वन जीरो आ जाएगा, अर्थात सभी मान ए वन, ए टू, ए थ्री जीरो है, अर्थात हम कह सकते हैं कि एल्फा वन, एल्फा टू, एल्फा थ्री आर एल आई। इफ पॉसिबल एक्सप्रेस द वेक्टर्स एल्फा इक्वल टू जीरो फोर ट्वेंटी एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, हमारे पास तीन वेक्टर्स दे रखे हैं एल्फा वन, एल्फा टू और एल्फा थ्री, क्या इन तीनों सदिशों को इस सदिश के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो लेट एल्फा बराबर एल्फा वन ए वन प्लस एल्फा टू प्लस ए टू प्लस एल्फा थ्री ए थ्री,
यहाँ तीनों मान a1, a2, a3 स्केलर हैं, रियल नंबर्स हैं। 0420 इक्वल टू 20 इक्वल टू a121 माइनस 1 प्लस a2 की वैल्यू अल्फा 2 की वैल्यू प्लस a3 अल्फा 3 की वैल्यू। तो हम इसको लिखेंगे 2a1 माइनस a2 प्लस यहाँ हमारा 0 है तो 0। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा इसमें a1 प्लस यहाँ 0 है तो 0 प्लस a3 ये स्टेप है। थर्ड स्टेप को इसके लिखेंगे a1 माइनस k 3a2 प्लस 5a3। इसको अगले स्टेप में लगेंगे 2a1 माइनस a2 a1 प्लस a3 माइनस a1 प्लस 3a2 प्लस 5a3। नेक्स्ट इसको लिखा 2a1 माइनस a2 इक्वल टू 0 a1 प्लस a3 इक्वल टू 4 और इसको माइनस a1 प्लस 3a2 प्लस 5a3 इक्वल टू 20। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम लिख सकते हैं कि a2 इक्वल टू 2a1, दिस इंप्लाई a2 अपॉन 2 इक्वल टू a1 अपॉन, ये वज्रगुणा इस तरह कर दिया हमने यहाँ। तो अब नेक्स्ट स्टेप आएगा, यदि हम a2 का वैल्यू 2, a1 की वैल्यू 1 इसमें इन वैल्यू रखें तो a3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो 2 से a1 1 रखते हैं, a3 इक्वल टू 3। अब यार पास तीनों की वैल्यू आ गई, अल्फा 1 की भी आ गई, a1 की भी 1, a2 की 2, a3 की 3। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। थैंक्स।